हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट रवा इडली और उसके साथ बहुत ही टेस्टी कोकोनट चटनी जो बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट स्पंजी बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। ये है 1 कप सूजी, ये 1 कटोरी दही है, नमक और 1 बाउल ले लिया है। आप सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1 कप सूजी, 1 कट नमक डालेंगे और 1 कटोरी दही डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे पानी, इससे हमारी सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह चलाते हुए सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बस मिक्स करना है। अभी अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की हेल्प से। और अब इसको हमको रेस्ट करने के लिए रखना है क्योंकि सूजी फूलती है। 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये है डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल बूरा, दही है 1 कटोरी, हरी मिर्च, धनिया, ज़ीरा, पानी, ब्लेंडिंग जार ले लिया है। जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक नारियल की इंस्टेंट चटनी बना लेते हैं। अब डालेंगे इसमें नारियल बूरा, उसके साथ डालेंगे दही। दही खट्टा हो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ ज़ीरा डालेंगे। मैंने हरा धनिया डंडल सहित वॉश करके रख लिया है और हरी मिर्चें 3 से 4 और डंडल सहित डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा ग्लास पानी डाल देंगे और ब्लेंड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। चटनी बन के रेडी है। अब इसको 1 बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था, उसमें डालेंगे सरसों। अच्छी तरह से चटकने दें और अच्छे से चटकने के बाद इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते जो बहुत ज़्यादा उछलते हैं। अब गरम गरम तड़का हमारी चटनी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे तड़के का सारा फ्लेवर हमारी चटनी में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। ये मैंने इडली के सारे सांचे ले लिए। इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। अब चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। अब देख सकते हैं सूजी कितनी अच्छे से फूल गई है और गाढ़ी हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी और 1 पैकेट इनो फ्रूट साल का ऐड करेंगे। पानी डालकर ही इसको डालना चाहिए, इससे ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। और इसको अब जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और अच्छी तरह से जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए इसका स्मूथ बैटर बना देना है। इनो डालते से ही वो बहुत जल्दी बैटर फ्लफी हो जाता है। हमारा बैटर रेडी है। अब जल्दी जल्दी सारा बैटर को 1-1 चम्मच सारे सांचों में डाल देंगे। सारे सांचे बैटर डाल के रेडी हैं। यहाँ मैंने इडली स्टैंड में पानी गर्म होने रख दिया था। अब जल्दी जल्दी 1-1 करके सारी इडली की ट्रे उसमें रख देंगे क्योंकि इनो डाल के जल्दी जल्दी बैटर को स्टीम होने रखना चाहिए, नहीं तो उसका असर कम हो जाता है और अच्छे से नहीं बनती हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारी इडली को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली फूली बनी है। अब इसको टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे।
ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है तो बन गई है, और अगर चिपकता है तो थोड़ी देर और स्टीम करते हैं। अब सारी ट्रे को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारी ट्रे बाहर निकाल ली है इडली स्टैंड में से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी इडली बनी है। सारी इडली ठंडी हो गई है और आसानी से निकल आई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बनी है। एक एक करके मैंने सारी इडलियों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी इडलियों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पॉन्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने हमारी सारी इडलियों को हमारी नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें इंस्टा नारियल चटनी और सॉफ्ट रवा इडली। राधे राधे।